विदर्भ के औद्योगिक विकास की अग्रिम संकल्पना के तत्वावधान में नागपुर स्थित जमनालाल बजाज प्रशासकीय इमारत परिसर में खासदार औद्योगिक महोत्सव आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन आज संपन्न हुआ है। गौरतलब है कि विदर्भ के सर्वांगीण विकास संकल्पना से आज केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार औद्योगिक विकास हेतु कटिबद्ध है, जिसके चलते दिनांक 27-28 जनवरी और 29 जनवरी को इंडस्ट्रियल एक्सपो लगाया गया है, जहां देश के नामांकित औद्योगिक कंपनियों ने शिरकत की। साथ ही साथ देश के एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्वक निवेशक और उद्योजकों के तौर पर उभरने वाले अभियांत्रिकी एवं संबंधित क्षेत्र के छात्र भी इस समय मौजूद थे। इस उद्घाटन कार्यक्रम में विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे, सुधीर मुनगंटीवार और पूर्व सांसद प्रफुल्ल पटेल, सांसद कृपाल तुमाने, सांसद अनिल पोंडे, सांसद अशोक नेते, रक्षा मंत्रालय के समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल विनोद खंडारे, पूर्व सांसद अजय संचिती, जिलाधिकारी विपिन इटनकर, क्षेत्र के विधायक, चांसलर, प्रोफेसर, चांसलर सुभाष चौधरी आदि विशेष रूप में मौजूद थे। जहां संबोधित करते हुए मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बताया, आज विदर्भ विकास की ओर बढ़ रहा है। चंद्रपुर से राम मंदिर की टीक उड़ गया, जिससे सर्वोत्तम काष्ठ का प्रमाण पत्र मिला, जिसके बाद आज विदेशों में भी यहाँ के काष्ठ की मांग की जा रही है। आने वाले 38 एकड़ उनके पास जगह 10 एकड़ डेवलप हुआ है कि हम 100 एयरक्राफ्ट पर मंथ इतना बड़े प्रमाण पर एयर मेंटेनेंस का काम करेंगे। प्राइवेट और बाहर के भी जेट आएंगे, एयर इंडिया के भी आएगा। टाल के कारण एयरबस और बाकी भी आए हैं, राफेल और डोसाल भी हमारे साथ है। तो एविएशन का हब, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बन रहे हैं, तो एविएशन का हब भी नागपुर बनेगा। और ये भी हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए लड़कों को रोजगार का साधन प्राप्त होगा और इसकी एक्सेलरेटेड डेवलप होगी। मैं जब वो टाल में गया था तो 3000 लोग वहाँ काम करते हुए लगते, मैं घूम रहा था, तो शायद मुझे लगता कृपाल तुम्हारे मेरे साथ थे उल्टे। मैं एक एक लड़के को पूछता था तू कहाँ से, तो कोई बोलता था मैं मौदा से हूँ, कामठी तालुका, मौदा तालुका, भंडारा, यहाँ के बच्चे टाल में काम कर रहे हैं। तो यही हमारा प्रयास है कि हमारे उद्योग विकसित होकर हमारे यहाँ उसका विकास हो। एक यहाँ बारंबार हुआ गढ़चिरौली में, जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, हम लोगों ने बहुत टेरिंग के साथ ये निर्णय किया कि हमको कभी ना कभी यहाँ पर माइनिंग शुरू करना होगा। और उस समय मैं मुख्यमंत्री भी था, गृह मंत्री भी था, तो हमने बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस की मदद ली और माइनिंग शुरू किया और धीरे धीरे वो डेवलप होना शुरू हुआ। उस समय मैंने उनको कहा कि आप हमारा इस्तेमाल ये केवल एक कॉलोनी जैसा मत कीजिए, तो इसके ऊपर जो मैन्युफैक्चर है, इसके ऊपर जो स्टील है, वो भी यहाँ तैयार होना चाहिए। मैंने उनको कौंसरी में जगह दी, वहाँ भूमि पूजन किया। मुझे बताते हुए बहुत आनंद होता है कि पहला स्टील प्लांट वहाँ तैयार हो गया, अभी दूसरा 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वहीं पर हो रही है, और अभी परसों एक और MOU हमने किया, 10,000 करोड़ की एक और इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हो रही है, और 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अभी पाइपलाइन में है। आने वाले समय में जो देश का स्टील हब है वो हमारा ईस्टर्न विदर्भ होगा। और मैंने इन सभी लोगों को ये कहा है कि आप ये जो सारी इंडस्ट्रीज है, ये सारी इंडस्ट्रीज गढ़चिरौली में, चंद्रपुर में, वर्धा में, नागपुर में, भंडारा में, गोंदिया में, ये सारे इलाके में लगाइए, तब हम आपको मदद करेंगे। और आज वो होता हुआ दिखता है। माहिती देण्यासाठी, उद्योग करण्याचं ज्ञान तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा महोत्सव आहे, औद्योगिक महोत्सव। विदर्भातले जास्त जास्त लोक, तरुण तरुणी उद्योजकपणाने प्रयत्न व्हा। नितीन गडकरी करतायत, देवेंद्र फडणवीस करतायत, त्यांना तुमची साथ पाहिजे, तुमची साथ पाहिजे। नितीन गडकरी हा निवडणुकीला उभा आहे म्हणून हा महोत्सव नाही केला, त्याची तळमळ कि माझा विदर्भ हा गरीब राहता कामा नये, बेकारी असता कामा नये, ती दूर व्हावी या महाराष्ट्रामध्ये। महाराष्ट्र विदर्भ महाराष्ट्राचा भाग आहे, इथे महाराष्ट्र दिसला पाहिजे, महाराष्ट्र दिशी प्रगती इथे दिसली पाहिजे, यासाठी ते दोघं प्रयत्न करतात। प्रत्येक उद्योजकांना सांगे, आप सबका स्वागत करता हूं, जो जो उद्यमी यहां उपस्थित है, आप लोग आए इस औद्योगिक महोत्सव को सपोर्ट आप कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज के तारीख में पूरे देश में
सुरक्षा व्यवस्था बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, बिजली बोलो, पानी बोलो, सभी उद्योग के लिए विदर्भ में आपको मिल सकता है। खाली एक दाम बोला उसके लिए, हमारे बिजली का दाम के बारे में हमारे देवेंद्र जी देख रहे, मगर ये जो विदर्भ है इसमें आप उद्योग अच्छी तरह से कर सकते हैं। जितना भी उत्पादन बढ़ाएंगे उसके लिए सही मार्केट के लिए व्यवस्था भी, एक्सपोर्ट के लिए। आज हमारे एमएसएमई का एक्सपोर्ट 50% है देश के एक्सपोर्ट। हमारा योगदान देश के औद्योगिक क्षेत्र में 30% जीडीपी हमारा 30%। हम चाहते हैं कि कल भी हम महाराष्ट्र में इंडस्ट्री का योगदान कितना होना चाहिए, महाराष्ट्र के क्षेत्र जो है उसे 31% क्षेत्र भूमि के विदर्भ की। इस वक्त मौजूदों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि विदर्भ में बहुल मात्रा में संसाधन मौजूद है, जिसके चलते हम वन, कपास, जल, खनिज संसाधनों का उपयोग करते हुए हम औद्योगिक विकास कर सकते हैं, यह विश्वास उन्होंने जताया। वही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और नारायण राणे ने सभी आयोजन के विषय में प्रतिक्रिया व्यक्त की, जहाँ उन्होंने इस महोत्सव के लिए सभी उद्योजकों को शुभकामनाएं भी दी। कैमरा पर्सन अजित कुमार के साथ मनीष टेम्बरे, BCN न्यूज नागपुर।